अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीज और आप देख रहे हैं यू आर अदीज। उसी किताब का आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये हेडिंग जो है, बुनकरों द्वारा माल व्यापारी को नगद ना बेचकर चेक पर बेचा जाना, इसमें ये हेडिंग है। और प्रश्न ये है, क्वेश्चन ये है कि बदहाली का एक कारण बुनकरों द्वारा माल व्यापारी को नगद ना बेचकर चेक पर बेचा जाना क्यों और कैसे। तो इसमें जो आंसर लिखा है, जो उत्तर है उसका लिखा है कि आज से 20 साल पहले जो बुनकर, गद्दीदार, गृहस्था या फिर एक्सपोर्टर सेम थे। बदला क्या है? बदला सिर्फ इतना है कि बुनकरों के माल बेचने का तरीका बदल गया, बाकी सारा चीज़ सेम है। तो इसमें क्या लिखा है कि पहले बुनकरों का माल ज़्यादातर नगद कैश पेमेंट पर होता था। कुछ व्यापारी एक हफ्ते में नगद पेमेंट करते थे तो कुछ व्यापारी एक महीने में नगद पेमेंट कर देते थे, चेक पर काम नहीं होता था। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे अब वो व्यापारी एक महीने के बाद चेक देने लगे, छः महीने की चेक देते थे। यानी एक महीने के बाद जो चेक बनती थी उस पर 6 महीने बाद की डेट लिखी होती थी, लेकिन उसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा होती थी, चेक वैल्यू इतनी ज़्यादा होती थी कि वो बाजार में, मार्केट में चेक वैल्यू के बिना पर बट्टा हो जाती थी, कैश हो जाती थी। अब उसके बाद धीरे धीरे क्या होने लगा, उन गद्दीदार और व्यापारियों को भी माल बेचा जाने लगा जिनकी वैल्यू ज़ीरो है, जिनकी गुडविल वैल्यू ज़ीरो है, जिनकी चेक वैल्यू कोई नहीं थी, उनको भी माल बेचा जाने लगा और वो भी 6-6 महीने की चेक देने लगे। यानी कि एक महीने बाद 6 महीने की चेक की चेक पर डेट लिख देते थे 6 महीने बाद की, और ये दे देते थे बुनकरों को। अब बुनकर उनकी चेक ले लेता था जिनकी वैल्यू ज़ीरो होती थी और वो मार्केट में कैश नहीं होती थी, तब मजबूरन बुनकरों को उस चेक को रॉ मटेरियल्स वाले के यहाँ देना पड़ता था। रॉ मटेरियल्स यानी कि जहाँ से ताना बाना धागा लिया जाता था उनको दिया जाता था। अब रॉ मटेरियल्स वाले के सामने भी जब चेक जाती थी तो भी उनको ये पता होता था कि ये चेक वैल्यू ज़ीरो है, तब बुनकर अपनी गुडविल पर, अपनी ज़मानत पर उस चेक को रॉ मटेरियल्स वाले के यहाँ देता था और रॉ मटेरियल लेकर घर आता था। लेकिन जब चेक की डेट आती थी, चेक बाउंस हो जाती थी, और चेक जब बाउंस हो जाती थी तब उसके बाद मजबूरन बुनकरों को अपने पैसे से पेमेंट करना होता था और वहां से पेमेंट नहीं मिलती थी जहां की चेक बाउंस हुई है। और नतीजा ये हुआ कि बुनकरों ने इन डिफॉल्टर गद्दीदारों व्यापारियों को कमाने का खूब अच्छा अवसर दे दिया और ये डिफॉल्टर अब इनका पैसा फंसाने लगा। यानी कि बुनकर का पेमेंट रोकने व फंसने लगा और बुनकरों की परेशानी में इजाफा होने लगा और कारोबार चौपट हो गया। का मुख्य कारण कौन कौन से थे? पहला, बुनकरों ने कभी भी इन बेईमान डिफॉल्टर भैया जी, साहु जी, दादा जी या हाजी साहब के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। वो ये सोचता था कि कौन इस पछड़ में फंसने जाएगा, कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या फिर इनकम टैक्स के पछड़े में फंसना पड़ेगा क्योंकि मैं कच्चे पुर्जे पर माल बेचता हूँ। तो इन सब पछड़े से बचने के लिए कभी भी बुनकरों ने इन भैया जी, साहू जी, दादाजी, हाजी साहब के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। और नतीजा क्या हुआ कि इनका भाव बढ़ने लगा और भाव बढ़ने के हिसाब से भाव बढ़ते बढ़ते अब इन गद्दीदारों ने, इन व्यापारियों ने बुनकरों का पैसा फंसाने लगे और एक से एक और भी गद्दीदार नए नए पैदा होने लगे जिन्होंने इन बुनकरों का खूब अच्छा खासा फ़ायदा उठाया, जिसके बाद ऐसे गद्दीदार व्यापारी की शक्ल में बुनकरों को ठगने का सिलसिला बदस्तूर आज तक जारी रखा है और बुनकर इनके झांसे में बड़े ही आसानी से आ जाते हैं। अगर बुनकरों ने इन बेईमान गद्दीदार व्यापारी या भैया जी, दादाजी, साहू जी जो भी हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की होती तो आज ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता, एक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती थी और सब भी और सबका भी दिमाग ठिकाने आ जाता और सब ऐसा करने से पहले 10 बार सोचते। तो बुनकरों की आज ऐसी हालत का जिम्मेदार ये दो पॉइंट भी है। ये दो पॉइंट कौन कौन से हैं कि इन्होंने कभी भी उन डिफॉल्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की और दूसरा ये कि इन्होंने अपना बिजनेस करने का तरीका बदल दिया, चेक पर काम करने लगे और चेक बाउंस होने लगी और डिफॉल्टर के साथ काम करने लगे। तो ये दो मुख्य वजह भी है आज बुनकरों की ऐसी हालत की जिम्मेदारी की। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये भी बड़ी वजह है बुनकरों की आज की ऐसी हालत की जिम्मेदार होने की, या फिर ये ऐसी वजह नहीं है? ये सवाल और जवाब आपको गलत लगा, और अगर क्यों गलत लगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि बुनकर
बनारसी बुनकर नहीं बल्कि बनारसी ठग के नाम से मशहूर हो गए थे। तो उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि ऐसा वीडियो मत बनाइए, आप ऐसा वीडियो क्यों बनाते हैं, तुमसे क्या मतलब, बहुत बेकार कमेंट भी आए थे। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरी तरफ से तो है नहीं, पहली बात इस किताब के लिखने वाले असरार अहमद साहब हैं, उन्होंने ये किताब लिखी है। और जो बात आपको गलत लगी, वो बात आप बताइए, आप ऐसे गंदे कमेंट ना करिए। और आप मेरे पर ब्लेम करके क्या कर सकते हैं, कमेंट करके और कुछ कर नहीं सकते। आप पहले तो ये बताइए कि उसमें जवाब में गलती क्या है, और अगर गलती है तो फिर आप वो गलती कमेंट करिए, और अगर गलती नहीं है और आप ये मानते हैं कि ये सारी वजह है बुनकरों के आज के इस हालत की जिम्मेदार की, तो इसको सुधारा कैसे जा सकता है। देखिए, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि सही नॉलेज आप तक पहुँचे और उन गलतियों को सुधारा जाए, ना कि गुस्सा किया जाए, उन गलतियों को सुधारा जाए ना कि उस पर भड़का जाए। और गलतियों को सुधारने के लिए आपको भी सहयोग करना पड़ेगा, और आपको गुस्सा नहीं करना है उन बातों पर, क्योंकि जो गलतियां हो गई सो हो गई, अब उनको सुधारना है। तो सुधारा कैसे जाए इस बात पर आप ध्यान दीजिए। आप मेरे पर ब्लेम करके कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपनी हालत के जिम्मेदार खुद होंगे अगर आपने मेरे वीडियो का ऐसा रिएक्शन किया। तो जो बात मेरी गलत लगे आप वो बात लिखिए, और अगर जो बात सही लगे वो बात भी लिखिए। और अगर आपको कोई और सजेशन देना है कि आज बुनकरों की इस हालत के जिम्मेदार कौन कौन है और कैसे सुधारा जा सकता है, तो वो बात भी लिखिए। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल यू आर अदीज़ को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।